मॉर्निंग रूटीन भी गया था और आज मैं एप्पल वॉच एक दिन पहले चार्ज करना भूल गया था, तो मैंने आज वेट किया, फिर मैं मॉर्निंग रूटीन के लिए गया एप्पल वॉच चार्ज करके गया क्योंकि मुझे मेजर करना था। तो आज मैंने अराउंड 500-550 कैलोरीज बर्न किए और कम टाइम में, क्योंकि मतलब मैं HIIT कर रहा हूँ ना, वो हाई इंटरवल इंटेंसिटी ट्रेनिंग जो मैंने आपको बोला था, तो मैं कर रहा हूँ तो उससे बहुत ही जल्दी 500 कैलोरीज तो कुछ भी नहीं, आराम से बर्न हो जाते हैं। तो इधर से जॉगिंग जाता हूँ और उधर मैं वर्कआउट करता हूँ। मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि मॉर्निंग में बार बार शूट करने में पर्सनली मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि फिर सुबह उठो पहले फोन ले लो, तो आप समझ रहे हो ना अगर आप देख रहे हो तो। एनीवेज मैं चला गया, लेकिन मैंने सोचा कि भाई अभी शेयर करना ही पड़ेगा। मैं सिर्फ सुबह जाऊंगा और वर्कआउट शेयर करूंगा। अभी मैं सुबह जाके आ गया हूँ। अभी पहला मील हम ले रहे हैं फ्रूट, जैसे मैंने कहा फ्रूट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फ्रूट्स में है ये पपाया वाटरमेलन, ये दो है अभी के लिए। तो देखते हैं, मैं आपको वेट चेक करके दिखाता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको वेट चेक करके दिखाता हूँ, क्योंकि हमको 30 डेज में 5 किलो लूज करने थे। कल का तो आपने डाइट देखा, इतना सिंपल था, हम मानता हूँ उसके पहले बहुत ही खाया, लेकिन कल का आपने देखा ना वापस मैं ट्रैक पे आने लगा। तो जुड़े रहे वीडियो के साथ। तो फिलहाल तो फ्रूट्स खत्म नहीं हुए, तब तक मम्मी ने मुझे सेकेंड मील दे दिया है, ये है डोसा, बहुत ही कम घी डाला इसमें, तेल बिल्कुल भी नहीं है, घी तो खाना पड़ेगा, गुड फैट्स में आता है। तो ये डोसा है, दो घर का ही सांभर है, ये घर का ही चटनी है, बहुत ही सिंपल खाना है। आई थिंक कैलोरी काउंट मुझे डोसा का नहीं पता इतना, बट होप कमी हो, तो सांभर का तो कम ही रहता है और वो ग्राउंड नट चटनी है घर का। तो देखिए हेल्दी स्नैकिंग तो मैं कर ही रहा हूँ, आई थिंक सिर्फ कैलोरी काउंट पे मुझे और ध्यान देना पड़ेगा। तो एज आई सेड, मैं ब्रेकफास्ट के बाद अपना वेट मेजर करके दिखाऊंगा आप लोग को, लेकिन इससे पहले मेरा वेट था 66 और उसके अराउंड 65.9 या 8 के अराउंड समथिंग, एंड अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया, एक बार मैंने आपको दिखाया था अगर आपको याद होगा 64.8 समथिंग था, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। तो आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद 66.6 आप इंक्रीज देख सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि बॉडी को ना चेंजेस दिखाने में टाइम लगते हैं, तो अगर आप सपोज 3-4 दिन पहले कुछ खाओ तो उसका जो अक्यूमुलेशन है वो बाद में आपको बॉडी में चेंज दिखता है। तो आपको पता है मैं इतने दिन से कितना खा रहा हूँ, तो उसका भी जो रिजल्ट है वो अभी दिख रहा है। और अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया है, आई थिंक विदाउट ब्रेकफास्ट 65 पॉइंट वही जो मैंने अभी आपको बताया था वो होगा। तो एनीवेज हमारा एम है कि 60 किलो पे जाने का, जो कि अभी मैंने आज से और कल से तो प्रॉपर डाइट शुरू कर दिया है, तो मेरे से तो हो जाएगा। एनीवेज जर्नी आप देखते रहिए। सो इट्स लंच टाइम, 2 बज रहे हैं और मैं लंच में ले रहा हूँ ये नॉर्मल चावल दाल और आलू की सब्जी। ये मैंने स्प्रेड करके रखा इसलिए ज्यादा लग रहा है, बहुत ही कम है, दाल ज्यादा है और दही भी है। तो ये पूरा कार्ब लोडेड है, कार्ब लोडेड इसलिए क्योंकि कार्ब एनर्जी देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, तो क्योंकि कार्ब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, तो एनर्जी चाहिए हमको, जो 3 घंटे हम थेरेपी सेशन में स्पेंड करते हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए रहता है, नहीं तो जो मेरी थेरेपी जो वर्कआउट बताती है वो कर नहीं पाएंगे, इसलिए एनर्जी चाहिए रहता है। तो दिन में मैं ऐसे खाता हूँ कि प्रोटीन कंप्लीट हो जाए और कार्ब्स भी कंप्लीट हो जाए, फ्रूट्स खाता हूँ सुबह विटामिन मिनरल के लिए और सब्जियां भी लेता हूँ विटामिन मिनरल्स के लिए, तो आई थिंक इसे कंप्लीट हो जाता है जितना अभी मेरे लिए रिक्वायर्ड है, और दूध भी ले लेता हूँ मुस्ली के साथ, तो कैल्शियम मैग्नीशियम वो सब हो जाता है मेरे, विटामिन मिनरल्स कार्ब्स और प्रोटीन आई थिंक ये सब कंप्लीट हो जाते हैं मेरे। मैं आ गया थेरेपी सेंटर, आज तो आई थिंक सबसे जल्दी आया हूँ, 4:40 हो रहा है, यूजली 5 बजे तक पहुँचना रहता है, मैं 5:30 या 5 बजे पहुँचता हूँ। तो एनीवेज मैंने सोचा कि आज अपना बॉडी का एनाटॉमी बताऊँ जो अभी तक मैं प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दिन से बताना था, क्योंकि मैंने वो 3 दिन जो रेस्ट लिया था ना उसमें मेरे को पता चल रहा था कि मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो एनीवेज अभी मैं थेरेपी सेंटर में जाता हूँ और मोस्ट प्रॉब्ली आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा मेरी बॉडी एनाटॉमी। आई थिंक कल का ब्लॉग का टाइटल मैं रख दूंगा माय बॉडी एनाटॉमी, और उस ब्लॉग में मैं पूरा बॉडी के बारे में बताऊंगा कि अभी तक क्या क्या हील हुआ है और अभी तक क्या क्या बाकी है हील होना। तो अभी वैक्स लग रहा है, मैं जल्दी आ गया। आज मैं घर पर डिनर नहीं कर रहा, मेरी कजिन सिस्टर हैं, उनका बर्थडे है, तो हम डिनर के लिए उधर ही जा रहे हैं अभी। तो मैंने आपको कहा था मेरा मूड खराब, मुझे कुछ बात करने का मन नहीं कर रहा, ऐसे भी कल बॉडी एनाटॉमी वीडियो में कल बात करूंगा बॉडी के बारे में, तो अभी जो भी होगा डिनर में आपको दिखा दूंगा। तो जैसे कि आपने देखा कल रात के डिनर में मैंने खाया चिकन, और घर का ही बना हुआ चिकन था, मैंने आपको कहा था मेरी दीदी का बर्थडे, और आई थिंक 3-4 पूरी। तो लेकिन कल मैंने सुबह से बहुत ही कम खाया था, आई थिंक मैंने फ्रूट्स डोसा और आई थिंक चावल दाल खाया था, मेरे को याद नहीं है, तो आई थिंक इतना ही खाया था, मैंने बहुत कम खाया था कल क्योंकि आज इतने दिनों से घूम रहा था, तो फिर मैंने बोला कि मैं वापस ट्रैक पे आ रहा हूँ, और इसलिए रात को चिकन खाया मैंने, बहुत ही कम चिकन था और घर का ही बना हुआ था, आई थिंक पूरी में गड़बड़ हो गई है, वो भी 3-4 पूरी खाया मैंने। तो एनीवेज ये अगला दिन है, ब्लॉग वही है, तो मैं इस ब्लॉग को इधर ही एंड कर रहा हूँ, और आपने यहाँ तक देख लिया तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जय बजरंग बली।